वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। आप सभी का स्वागत है मेरे कुबरीज की सीरीज में। और एग्जैक्टली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाईएमएल फाइल के बारे में कि वाईएमएल फाइल एग्जैक्टली क्या होती है और हम उससे किस तरीके से लिखते हैं। तो मैं गारंटी लेता हूँ गाइस कि अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको पूरा वाईएमएल फाइल किस तरीके से लिखते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और उसके बाद आप खुद की एक वाईएमएल फाइल ले सकते हैं या फिर किसी की भी वाईएमएल फाइल को आप इजीली रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कोई लाइन क्यों लिखी गई है और किस तरीके से हम वाईएमएल फाइल को इजी वे में लिख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज वाईएमएल फाइल। वाईएमएल फाइल को हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बोलते हैं क्योंकि आप क्यूबनिट्स और डॉकर में हम जिसके बेसिस पे इमेज को क्रिएट करते हैं, करेक्ट। तो व्हाट इज वाईएमएल फाइल। YAML stands for Ant Markup Language, is a human readable data serialization language. It is commonly used for configuration files and an application where data is being stored or transmitted. So basically YAML क्या है? YAML stands for Ant Markup Language. ये human readable मतलब बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको और इसके through आप data को transfer करते हैं in a form of configuration file. Configuration file को लिखने में इसे हम use करते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं वाईएमएल फाइल में और ट्रांसमिट करते हैं, मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल में ले जाने के लिए भी वाईएमएल फाइल का यूज होता है। और बेसिकली इसका मोस्ट कॉमन यूज क्या है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल यानी कि डॉकर फाइल को लिखने के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले ओपन कर रहा हूँ अपना एक ऑनलाइन कंपाइलर जिसके थ्रू हम इसका इसमें लिखते भी जाएंगे और इजिली इसका जो आउटपुट है वो भी हम देखते जाएंगे। सो ऑनलाइन वाईएमएल पार्सर, ये मेरे पास एक विंडो है ऑनलाइन कंपाइलर, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कोड है और आउटपुट इसका इससे दिखता रहेगा। तो मैं जो कुछ भी लिखूंगा यहाँ पर इसका आउटपुट यहाँ पर दिखता रहेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जेसॉन में हम लिखते हैं वैल्यूज, सेम एज इट इज यहाँ पर हम लिखते हैं वैल्यू और की और वैल्यू के पेयर में हम यहाँ पर अपने इनपुट्स डालते हैं। जैसे कि जेसॉन में हम की और वैल्यू के पेयर में हम इंफॉर्मेशन डालते थे, सेम एज इट इज यहाँ पर भी जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं लिखा नेम कोलन और फिर एक स्पेस दिया है और फिर अपना स्ट्रिंग लिखा है, करेक्ट। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर नेम क्या है? की है। और ये प्रवीण क्या है? इसका वैल्यू है, करेक्ट। तो यहाँ पर एक स्पेस भी देना बेटर होता है, एज 27। देखिए यहाँ पर उसने इशू क्रिएट कर दिया तो एक स्पेस दे देंगे। जब भी आप लिखेंगे एक स्पेस दे के लिखेंगे और उसके पास मैं करता हूं ऑक्यूपेशन प्रोग्रामर, करेक्ट। तो यहां पे मैंने यहां पे तीन कीज दी हैं और तीन इसके वैल्यू हैं और इसका देखिए आउटपुट यहां पर है। और कोई भी इशू मेरे वाईएमएल फाइल में आएगा तो यहां पे आउटपुट मेरे को शो कर देगा। अब मान लीजिए मुझे इसको किसी भी डेटा के अंदर स्टोर करना हो, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना हो, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में कॉल करना हो, तो मुझे क्या करना होगा? इसमें देना होगा एक इंडेंटेशन। तो मैं लेट्स से मैं डाल रहा हूँ पर्सन के रूप में, तो मुझे यहाँ पर इसका देना होगा एक इंडेंटेशन, मतलब इसको पर्सन के अंदर डालने के लिए मुझे यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करना होगा, करेक्ट। अब ये क्या हो गया? ये पर्सन के अंदर कॉल हो रहा है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये पर्सन के अंदर दिखा रहा है। पहले क्या था, मैं बात करूं तो पहले देखिए ये पर्सन को भी अलग ले रहा था और ये इससे ऐसे ले रहा था, लेकिन अब मैंने इसको स्पेस दिया है एक, तो ये इसके अंदर कॉल हो रहा है। अगर आप में से बहुतों ने पाइथन पढ़ी होगी तो वहां भी इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, सेम एज इट इज यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी चीज को उसके अंदर रखने के लिए आपको एक स्पेस देना होता है। तो पर्सन देखें तो कहाँ है, बिल्कुल आपके विंडो के स्टार्टिंग में है। उसके बाद मैंने एक स्पेस दे के नेम एज और ऑक्यूपेशन लिखा है जो कि अब पर्सन के अंदर आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मुझे लिस्ट मान लीजिए क्रिएट करनी है तो मैं अपने एक लेता हूँ हॉबीज। सो हॉबीज के लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैं हॉबीज के अंदर जाऊंगा क्योंकि हॉबीज मेरी बहुत सारी हो सकती हैं। तो हॉबीज है म्यूजिक, और गेमिंग, करेक्ट। और क्या करने और कर लेते हैं आपका बाइक राइडिंग, करेक्ट। तो ये मेरी आपकी हॉबीज हैं। तो आप देखिए तो क्या हो गया, मैंने ये हॉबीज के अंदर थी इसलिए मैंने इसके अंदर इस तरीके से एक डैश लगाकर इसको स्पेस देके किया है क्योंकि ये इसके अंदर है।
करेक्ट, यही है आपका इंडेंटेशन। अब हम बात करते हैं, इसको हम और एक तरीके से लिख सकते थे, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो मैं दिखा देता हूं आपको, वो है ये म्यूजिक गेमिंग और बाइक राइडिंग, बेसिकली एज अ एरे आपने इसको पास कर दिया। देखिए यहां पर सही आ रहा है, सेम आउटपुट आपका है, बस ये आपका एरे, दोनों आपके एरे बन गए, दोनों लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं एक और इसकी, देखिए मैं सब कुछ का एक एक स्पेस दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, क्योंकि सभी चीजें पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है सब कुछ, इसलिए पर्सन एकदम स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं है, और उसके बाद मैंने एक एक स्पेस दिया है। फिर हॉबीज देखिए उसके अंदर, फिर मैंने तीन चीजें डाली है, म्यूजिक गेमिंग बाइकिंग और हॉबीज को नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स लिख रहे हैं। सो अब इसको फ्रेंड्स को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, बेसिकली ब्रेसेस लगाकर भी हम इसे लिख सकते हैं इजिली, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, तो उसका नेम है, एक नेम कर लेते हैं रवि, राइट, यहां पर उसके में डाल देते हैं एज, एज होगी 25, लेट्स से, करेक्ट। इस तरीके से आप नाम, और फिर दूसरा फ्रेंड है आपका, उसका नाम है आपका संदीप, एज 26, करेक्ट। तो इस तरीके से भी आप इजीली लिख सकते हैं, या अगर आप इसे चाहें तो इसे एक तरीके से और लिखा जा सकता है, वो है आपका फ्रेंड, और मैं इसमें लेता हूं यहां पर ब्रेसेस, यानी कि की ओ वैल्यू के फॉर्म में, नेम है आपका रवि कॉमा एज आपकी है 25, एज है आपकी 25। इस तरीके से भी आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली इसमें देखिए लिख सकते हैं, यहां पर आपका इस तरीके से यहां पर आपका इजिली आ जाएगा लिखकर, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज और देखने वाली चीज है कि मैंने यहां पे फ्रेंड्स में एक जगह फ्रेंड्स लिखा है, एक जगह फ्रेंड लिखा है, तो स्पेलिंग मिस्टेक, मैंने स्पेलिंग चेंजेस क्यों किए थे। अगर मैं यहां पर इसको लिख देता हूं फ्रेंड्स यहां पर भी, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डुप्लीकेट हो जाएगी। तो वो बेसिकली क्या करेगा, अगर डुप्लीकेट वैल्यू उसे मिलती है तो वो एक ही वैल्यू को बाय डिफॉल्ट शो करता है, इसलिए हमने यहाँ पर, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे स्पेलिंग चेंज की थी, और मेरे पास दो डिफरेंट आउटपुट आए थे कि हम एक ही चीज को दो तरीके से भी इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। करेक्ट, अब मेरे ख्याल से आपको आसानी से दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक इसीलिए की क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सेम, अगर स्पेलिंग सेम है, सेम फील्ड उसे मिलती है, तो बाय डिफॉल्ट वो उसको रिप्लेस करके एक ही बार शो करेगा। अगर तीन बार उसे चीजें मिलती है तब भी वो एक ही बार शो करेगा, वो डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं शो करता है, करेक्ट गाइस। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इजीली उसको कर सकते हैं। अब आते हैं हम डिस्क्रिप्शन में, तो लेट्स से कि मेरा डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन मेरा काफी लंबा होना चाहिए, राइट, मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। लेट्स से मैंने लिख दिया ये इस तरीके से, तो बेसिकली क्या होगा कि ये आप देखें तो इसका जो आउटपुट है, देखिए जो इसका आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इसका जो आउटपुट है वो बेसिकली आपका एक लाइन में आपको दिखेगा, करेक्ट। तो अब इसको आप न्यू लाइन में भी कर सकते हैं, न्यू लाइन करने के लिए आपको यहां पे लगाना होगा एक ग्रेटर देन का साइन सिंबल, एक सेकेंड, करेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, आपका ये सभी चीजें एक प्रॉपर लाइन में आपको शो करेंगी। अभी वैसे और कंपाइलर इसका प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाले पे काम नहीं कर रहा है, हालांकि अगर आप इसको नॉर्मली प्रिंट कराते हैं तो वो इसको एक लाइन में प्रिंट ना करके वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन में प्रिंट करता है, और ग्रेटर सिंबल लगाते हैं तो फिर वो उसे एज एक लाइन में प्रिंट करता है, करेक्ट। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ और भी लिखना हो, मान लीजिए कि मैं कर रहा हूँ सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का तो एक फॉर्मेट होता है, यहाँ पे तो मान लीजिए कि मैंने बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन था तो मैंने उस चीज को
ग्रेटर देन का सिंबल लगाने से क्या हो गया कि एक लाइन में ही वो प्रॉपर तरीके से पिन कर दिया, बट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सिग्नेचर, तो मैं सिग्नेचर में क्या करूंगा, रिगार्ड्स प्रवीण, तो जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा था मुझे उसी फॉर्मेट में इसका आउटपुट चाहिए, तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको करने के लिए मुझे बेसिकली करना होगा, देखिए यहाँ पे सिग्नेचर आउटपुट दिखा रहा है तो वो एक ही लाइन में दिखा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ वर्टिकल एरो या वर्टिकल पाइप, तो देखिए मुझे यहाँ पर दिखा रहा है रिगार्ड्स, पहली लाइन में रिगार्ड्स, फिर आपका स्लैश एन मतलब न्यू लाइन और प्रवीण प्रकाश, तो जिस तरीके से ये यहाँ पर मैंने लिखा है रिगार्ड्स कॉमा प्रवीण प्रकाश स्पेस देकर सेम एज इट इज फॉर्मेट में आ जाएगा अगर आप यहाँ पर एक वर्टिकल एरो लगाते हैं, वर्टिकल पाइप लगाते हैं तो ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी इजीली लिख सकते हैं फाइल को, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि इसमें शॉर्ट रहे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब मान लीजिए कि मुझे किसी वैल्यू को बार बार लिखना ना पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं उसे, यहाँ पर भी मैं उसे एज अ वेरिएबल ही स्टोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर करते हैं आईडी। अब इसे मुझे कॉल करना है तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल नेम, तो मुझे यहाँ पर लगाना है एंड या एम पर्सन और फिर एस्ट्रिक एन, करेक्ट। देखिए यहाँ पर आईडी क्या आ गई, प्रवीण, ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका नाम पिक कर लेगा, करेक्ट गाइस। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अब एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपको इसका चेंज करना हो, आपको इसमें डेटा टाइप, राइट, मान लीजिए अभी तो यहाँ पे कोई डेटा टाइप मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मान लीजिए मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना हो तो वो किस तरह से चेंज होगा, तो वो बेसिकली आपको बहुत आसान है यहाँ पर चेंज करना। तो वो बेसिकली आपको करना क्या है उसमें, लेट्स से मैं इसको चेंज करता हूँ, तो आपको क्या कहते हैं, दो एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है, और उसके बाद मान लीजिए मैं इसको स्ट्रिंग में कर रहा हूँ, ये देखिए क्या है, दिखा देगा यहाँ पर एज, तो उसने इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, यानी क्या हो गया, वो स्ट्रिंग हो गया। अब मान लीजिए मुझे इसको लिखना है फ्लोट में, तो क्या करना होगा, 27 लिखना होगा, और यहाँ पर क्या हो गया मेरा 27.0 हो गया, यानी कि ये फ्लोट में चेंज हो गया, करेक्ट गाइस। तो आई होप यहाँ पे जो मैंने कोशिश की है आपको YML फाइल समझाने की और आपको बताने की किस तरीके से लिखा जाता है, ये मेरी जो कोशिश है वो आई होप कामयाब रही होगी, और बहुत ही आसान लिखना है, और आई होप अब जब भी आप कोई भी YML फाइल को देखेंगे तो आपको उसकी लाइन बाय लाइन आपको पता होगी कि कोई किस चीज़ के, कौन सी चीज़ किसके अंदर है और किस फॉर्मेट में लिखी गई है और उसका एक आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो तभी जाके आप खुद की एक YML फाइल को लिख पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसमें हम कुबेरियस के बारे में बात करते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे अलावा और भी लोग वहाँ पर हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और हम लोग वहाँ पर काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।